नमस्कार दोस्तों, आइए, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष में। आइए आज जानते हैं इलेक्शन सपोर्ट में इलेक्शन ट्रेनिंग के लिए पीठासीन अधिकारी की डायरी को कैसे भरें। आइए इसी पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हिस्सा है वो है निर्वाचन क्षेत्र का नाम, वो भी बड़े अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में। तो चूँकि ये पिछली विधानसभा का है तो उसी के अनुसार आप लोकसभा का, संसद का हो रहा है तो आप उसके हिसाब से आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है 35 बेर, वो ये विधानसभा के लिए था। तो यदि आपका लोकसभा के लिए होगा तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 गिरिडीह लिख सकते हैं। उसके बाद है मतदान की तिथि, 12/12/2019 दिसंबर में हुआ था। मतदान केंद्र की संख्या 289, आपके संबंध में आपका होगा हाई स्कूल बांधडी, रूम नंबर 1। क्या यह सरकारी या अर्ध सरकारी भवन में स्थित है, निजी भवन में स्थित है, अस्थायी ढांचा है, तो जैसा होगा वैसा आपको लिखना है। हमारे संबंध में ये सरकारी था तो हमने सरकारी में टिक लगाया। उसके बाद है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई है तो, मतलब लोकल लेवल पे यदि पीठासीन पदाधिकारी ने किसी को नियुक्त किया पोलिंग ऑफिसर के रूप में, तो उसकी कोई संख्या है तो लिखिए। ठीक है, होता क्या है, सुविधा के लिए या कोई बीमार पड़ गया तत्काल किसी को वो नियुक्त कर सकते हैं, समझ गए, BLO वगैरह को। तो हमारे संबंध में कुछ नहीं था तो हमने नील कर दिया। अब है कि विधिवत रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई है तो उसकी अनुपस्थिति में बनाए गए मतदान अधिकारी की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का कारण क्या था। तो हमारे संदर्भ में कुछ नहीं था, हमारे सारे लोग चंगे थे, हमने लिख दिया नील। ध्यान देंगे दोस्तों, पीठासीन पदाधिकारी की जो डायरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी घटनाओं का जिक्र होता है ना, A to Z। पीठासीन अधिकारी की डायरी को कोई उठा लेगा, मतलब देख लेगा, पढ़ लेगा, तो सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाएंगे A to Z, और उसको कुछ चीज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में डिटेल्स भरना है। प्रयुक्त कंट्रोल यूनिटों की संख्या कितनी थी, तो हमारे संदर्भ में एक थी, हमने एक लिखा। जो कंट्रोल यूनिट है उसकी क्रम संख्या, उसमें सीरियल नंबर होता है, तो कुछ इसी तरह का सीरियल नंबर होगा, हमने सैंपल के रूप में इसको लिखा है, आप इसको सही मत माने, मतलब ये डमी के रूप में है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है कि बैलेट यूनिट की संख्या कितनी थी, तो चूँकि 16 से ज़्यादा कैंडिडेट थे हमारे यहाँ नोटा को लेकर के, तो हमारे यहाँ 2 बैलेट यूनिट था, तो हमने 2 बैलेट यूनिट, चूँकि विधानसभा में कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाती है। अब अगला है बैलेट यूनिटों की क्रम संख्या भी लिखें, तो देखिए हमने लिख दिया EBUE, ऐसे कुछ होता है, तो आप अपने संदर्भ में लिख लें। उसके बाद दोनों का लिखें, देखिए कॉमा करके हमने दोनों का लिखा है 51544, है ना। इसके बाद जो प्रयुक्त VVPAT है उसका भी सीरियल नंबर होता है, सारा आपको मिल जाएगा, उसी पर लिखा हुआ रहता है बैक साइड में, है ना, तो उसको भी हमने नोट कर दिया। अब आगे है प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, मतलब गिन पेपर सील कितना यूज़ किया, हम तो हमने एक किया तो हमने एक लिखा। ठीक है, उसके बाद है प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्या है, जो यूज्ड पेपर सील है उसके क्रम लिखें, जो भी क्रम संख्या होगी वो आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद है कि आपूर्ति किए गए विशेष टैग, स्पेशल टैग की संख्या कितनी थी, हमें 3 मिली थी, हमने 3 लिखा। इसके बाद मिले गए विशेष टैगों की क्रम संख्या कितनी है, तो उसका सीरियल नंबर होता है, उसको भी आप सीरियल नंबर लिख दें जैसा कि दिया हुआ है। उसके बाद है कि जो विशेष स्पेशल टैग आपने यूज़ किया, ध्यान देंगे ये स्पेशल टैग क्लोज सेक्शन, जो कंट्रोल यूनिट होता है उसके क्लोज सेक्शन में लगता है। ठीक है, तो कितना यूज़ किया, तो एक ही यूज़ किया। उसका सीरियल नंबर कितना है वो आप चौथे कॉलम में इसमें लिख दें, है ना, जैसा दिया हुआ है। उसके बाद है कि जो अनयूज्ड है, नहीं यूज़ किया, उसके स्पेशल टैग की क्रम संख्या कितनी है, जो भी शेष बच गया उसकी क्रम संख्या लिख देंगे। फिर है आपूर्ति किए गए स्ट्रिप सील, ये स्ट्रिप सील क्या होता है, ये जो कंट्रोल यूनिट होती है छोटी मशीन जिसमें बैलेट दबाते हैं P3, वही छोटी मशीन, उसमें जो है सबसे बाहर के हिस्से में एक लंबी सी बड़ी सी ABCD लिखी हुई, ABCD, ये 4 लेटर्स में लिखा होता है, वही सफ़ेद रंग की होती है, उसको चारों तरफ घुमा करके सील किया जाता है। तो उसकी संख्या कितनी मिली थी, तो 3 मिलती है, मुझे 3 मिली थी। आपूर्ति किए गए स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या को लिखना है, जैसा उसमें सीरियल नंबर है वैसा आपको यहाँ नोट कर देना है। इसके बाद है कि जो आपने यूज़ किया उसको सील बंद करने के लिए कंट्रोल यूनिट को, तो उसकी संख्या कितनी थी, तो जितनी रहेगी उसकी संख्या लिखनी है, ध्यान देंगे संख्या मतलब संख्या और क्रम संख्या मतलब उसका सीरियल नंबर। फिर है कि जो यूज़ किया गया स्ट्रिप सील उसकी सीरियल नंबर, उसका सीरियल नंबर क्या है, जैसा है वैसा लिखें, यदि 2 यूज़ किया गया तो 2 लिखें, दो लिखें मतलब सीरियल नंबर आपको लिखना है। तो ये हो गया जो यूज़ किया हुआ स्ट्रिप सील है उसकी क्रम संख्या हमने लिख दी। फिर पाँचवा है जो अनयूज्ड है, वापस कर दिया आपने, करने वाले हैं, उसकी स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या आपको नोट करनी है, सीरियल नंबर,
ठीक है। उसके बाद अगला बिंदु है केवल उन्हीं मतदान केंद्रों के लिए जहां वीवीपैट का प्रयोग किया गया है। तो वीवीपैट का प्रयोग तो हर जगह किया ही जाता है। तो कितने प्रिंटर हैं, कितने वीवीपैट हैं, तो एक हमें मिला था, एक हमने लिखा 01 01। प्रिंटरों की क्रम संख्या, उसका भी सीरियल नंबर होता है, जैसा दिया मिला है वैसा आप लिख देंगे, ठीक है। अगला जो आठवां कॉलम है, मतदान केंद्रों पर मतदान पोलिंग एजेंट्स को नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, कितने लोगों ने अलाउ किया है या लीक करके दिया है पोलिंग एजेंट्स को आपके यहाँ नियुक्त होने के लिए। तो कैंडिडेट्स या फिर उसका जो निर्वाचन अभिकर्ता होता है, ध्यान देंगे निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स जो होते हैं वो निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त करते हैं, और निर्वाचन अभिकर्ता को ये अधिकार होता है कि वो पोलिंग एजेंट्स को अलाउ कर सके किसी बूथ में जाने के लिए। तो चूंकि हमारे यहाँ तीन था जैसा कि नियुक्त किया गया था, तो हमने तीन लिखा। अब है कि मतदान के प्रारंभ होने पर उपस्थित पोलिंग एजेंट्स की संख्या कितनी थी, तो तीन थी। देर से पहुँचने वाले पोलिंग एजेंट्स की संख्या नहीं थी, तो हमने नील लिखा। आगे मतदान की समाप्ति पर उपस्थित पोलिंग एजेंट्स की संख्या, तो सारे के सारे प्रेजेंट थे, तो हमने फिर उसको थ्री लिखा। दसवां कॉलम है कि मतदान केंद्र के लिए निश्चित मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मतलब जो P1 जिसका अधिकारी होता है, मार्क्ड कॉपी है ना, वोटर लिस्ट की मार्क्ड कॉपी, निर्वाचक नामावली इलेक्टोरल रोल, चिन्हित प्रतिलिपि के अनुसार मतदान करने के लिए कितने लोगों को अलाव है, तो वैसे निर्वाचकों की संख्या है उतना ही जितना आपका विनिश्चित मतदाता है, 892 हमारे मामले में था। अब है कि मतदाता रजिस्टर 17(k)(17A) में प्रविष्ट जितने वोटर्स हैं उसकी संख्या कुल कितनी रिकॉर्ड आपने की, तो 461 हमने की थी, आप अपने संदर्भ में लिखेंगे। वोटिंग मशीन की के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, वोटिंग मशीन में कितना हुआ, तो जितना हम मतदाता रजिस्टर में देंगे उतने ही लोगों को अलाउ करेंगे, तो वो भी उतना ही बताएगा। आप इसको मैच कर सकते हैं, टोटल बटन दबा करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कि मतदान रिकॉर्ड न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो हमारे मामले में किसी ने मना नहीं किया था। एक प्रावधान है ना 49O है कि आप सब कुछ आपने उसने नोट करवा लिया और अंत में उसने कहा कि मुझे नहीं करना है वोटिंग, तो आप किसी को ज़बरदस्ती वोट नहीं करा सकते हैं। तो ये इसकी संख्या नील थी। अब है कि यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रथम मतदान अधिकारी का सिग्नेचर करना है P1 का, और यहाँ पे P2 का सिग्नेचर होगा, देख पा रहे हैं, हाँ, तो फुल सिग्नेचर करिए, और हो सके तो उनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद है 11वां नंबर, मतदान करने वाले वोटर्स की संख्या। तो देखिए टोटल संख्या तो हमने 461 लिखी है, लेकिन आपको अब पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर कितने थे वो भी लिखना है। यही चीज़ का हिसाब किताब जो है P1 को रखना है, इसीलिए उसमें नियम है कि जब वो मार्क्ड चिन्हित जो निर्वाचक नामावली है उसमें वोटर लिस्ट है, उसमें वो पुरुष के लिए जो उसका वहाँ पे घेरा बना हुआ है, पुरुष के लिए एक तिरछी रेखा खींचते हैं, महिला के लिए तिरछी रेखा के साथ जो क्रम संख्या है सीरियल नंबर उसको भी गोल घेर देते हैं, और जो थर्ड जेंडर होता है उसकी पहचान करने के लिए क्रम संख्या में स्टार मार्क लगा देते हैं ताकि पहचान सुनिश्चित किया जा सके। P1 के लिए तो मैं बोलूँगा कि एक अलग से आप महिला पुरुष के लिए भी रखें, कोई महिला आए तो उसमें टिक लगाएं, कोई पुरुष आए तो उसमें टिक लगाएं, ठीक है। इससे आपको गिनने में और जल्दी सुविधा हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है चैलेंज्ड वोट। चैलेंज्ड वोट वो होता है क्या कि पोलिंग एजेंट जो है वो चैलेंज कर देता है कि ये जो आदमी वोट करने आया है ना, ये वो आदमी नहीं है जो जिस नाम का ये बोल रहा है। तो उसमें जो है 2 रुपया ले करके उससे वो फॉर्म भराया जाता है पोलिंग एजेंट से कि यदि गलत हुआ तो फिर आप पर कार्रवाई होगी, आपको फाइन होगा, ये 2 रुपया आपका जब्त हो जाएगा, और यदि आप सही हैं तब तो फिर इनको जेल भेजा जाएगा, ये जो बोगस वोट देने के लिए आया है, ठीक है। तो ये है चैलेंज्ड वोट। तो उसकी कितनी अनुमति दी आपने, तो हमने नील दे दी, और कितना आपने इनकार कर दिया तो नील, और कितना जब्त धनराशि रुपया में लिखना है, तो हमें कुछ भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, चैलेंज वोट हमारे यहाँ नहीं पड़ता, तो हमने नील दिया। यदि आपके यहाँ कोई आता है तो आपको उसका यहाँ जिक्र करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ 4 रुपया लिख देते हैं तो इसका मतलब साफ उसको देख करके ही पता चल जाता है कि 2 लोगों ने चैलेंज वोट दिया है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखिए 13वां कॉलम है कि उन व्यक्तियों की संख्या बताइए, संख्या बतानी है कितने लोग जिन्होंने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट EDC प्रस्तुत करने पर मतदान किया। देखिए इस तरह के मतदाता यदि आपके यहाँ होंगे तो इसका जिक्र निर्वाचक नामावली में ज़रूर रहेगा, दिया हुआ रहेगा कि इतने लोग जो हैं EDC सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे, वो आपका वोट करेंगे, वो लोग कर सकते हैं। होता क्या है कि एक ही समय में
यदि दो विधानसभा या लोकसभा जो है उसमें चुनाव हो रहा है एक ही दिन में, तो क्या होता है कि यदि किसी की ड्यूटी, कोई पदाधिकारी है, इसकी ड्यूटी एक लोकसभा में या एक विधानसभा में है और दूसरे विधानसभा में या दूसरे लोकसभा में उसी दिन है, तो वोट कैसे जाएगा? तो उस अधिकारी की, उस कर्मी की वोट को सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए EDC जारी किया जाता है हमारे रिटर्न जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से। ठीक है, अब आते हैं तो हमारे यहाँ नील था तो हमने नील दिया। 13 का है उन अप्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया। अब जानते हैं कि जो देखिए प्रवासी मतदाता कौन होता है, कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और रोजगार या फिर शिक्षा आदि के कारण देश से यदि अनुपस्थित हैं और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त यदि आपने नहीं की है, तो आपके पासपोर्ट में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है तो वहाँ पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के वो योग्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रवासी मतदाता होते हैं। तो चूँकि ऐसे कोई मतदाता हमारे यहाँ नहीं थे तो हमने नील कर दिया। यदि आपके यहाँ होंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि कितने अप्रवासी निर्वाचकों ने आपके यहाँ मतदान किया। अब 14वां कॉलम है उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने सहयोगियों की मदद से मतदान किया। मतलब होता है ना, कोई अंधे शिथिलांग या दिव्यांग लोग आते हैं तो उनको किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है, उसको साथी की ज़रूरत पड़ती है, तो साथी उनको मदद करते हैं ले जाने के लिए। यदि वो सक्षम है वोट देने के लिए तो सिर्फ प्रकोष्ठ मशीन जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ तक ले जाने की अनुमति है, और यदि किसी कारण से यदि आँख ही नहीं है, उनकी काम नहीं कर रही है, तो फिर उनका सहयोग करते हैं और जा करके वोट दिलाते हैं। समझ गए? तो चूंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं था तो हमने नील किया। अब 15 नंबर है परोक्षी द्वारा डाले गए मतों की संख्या, मतलब प्रॉक्सी वोट। कोई किसी के बदले डालता है तो कैसे डालता है प्रॉक्सी वोट? तो होता क्या है, कोई यदि बाहर रहता है और उसके बदले में कोई आ सकता है देने के लिए, लेकिन बजाबता इसके लिए उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो प्रॉक्सी वोट कोई डाल सकता है। तो क्या होता है कि ऐसे बाहर में काम करने वाले लोग आवेदन करते हैं तो जो निर्वाचन आयोग है उनके किसी खास आदमी को, है ना, उसको प्रॉक्सी वोट डालने की अनुमति प्रदान करती है, तो बजाबता इसका भी जिक्र आपके पास रहेगा कि आपके यहाँ इतने लोग आ सकते हैं। तो प्रॉक्सी वोट ऐसे ही होता है। तो प्रॉक्सी वोट में चूँकि वो किसी और का डाल रहा होता है, अपने रिलेटिव्स का, ठीक है, तो इसलिए उसकी अंगुली में जो है वो बाएं हाथ की तर्जनी में नहीं बल्कि मध्यमा में उसका स्याही जो है वो पीटू डालता है, क्योंकि पहला जो तर्जनी है उसमें तो वो अपना खुद का वोट दे रहा होगा। समझ गए? तो ये होता है प्रॉक्सी वोट। तो हमारे यहाँ नील था, कुछ नहीं था। अब आती है टेंडर मतों की संख्या। तो वही जो 20 जो पेपर आपको मिला है टेंडर बैलेट पेपर, तो हमारे यहाँ एक भी टेंडर वोट नहीं हुआ था, तो हमने नील लिखा। अगला है 17वां उन निर्वाचकों की संख्या जिनसे आयु संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त की गई। तो हमारे यहाँ एक भी ऐसा नहीं आया जिसको आयु संबंधी घोषणा पत्र पर हम उसको भरवाएं, जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से मना किया, ऐसा कोई भी नहीं था, हमने नील नील लिखा। यदि आपका यहाँ है या हुआ तो आप वैसे उसकी संख्या दें। 18वां क्या मतदाता क्या मतदान स्थगित करना जरूरी था? यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण तो यहाँ आप लिखेंगे लागू नहीं, ठीक है, नॉट अप्लाइड, NA लिख दें तो ये काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नील लिखने का कोई तुक नहीं है। 19वां है प्रति 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। तो पूर्वाह्न 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक हमारे यहाँ 92 मत पड़े। उसके बाद जो है पूर्वाह्न 9 बजे से 11 बजे तक वो 101 पड़े, ठीक है, फिर पूर्वाह्न 11 से 1 बजे तक 133 हो गए, और अपराह्न 1 से अपराह्न 3 बजे तक 135 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कुल हम जोड़ेंगे तो वो मेल खाएगा आपके मतदाता रजिस्टर 17 का में जितने लोगों ने वोट दिया, और टोटल जो बटन आप दबाएंगे EVM के कंट्रोल यूनिट में उससे आपको मिलेगा। अब है अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक, क्योंकि उसके बाद भी यदि भीड़ है लगी हुई तो आपको तो पर्ची दे सॉरी टोकन देना पड़ता है, और टोकन देने की शुरुआत हम कैसे करते हैं, सीरियली 1, 2, 3 तो करते हैं, लेकिन एक नंबर किसको देंगे, जो लाइन में सबसे अंत में व्यक्ति खड़ा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि इधर से जब आते जाए तो सबसे अंतिम जो वोटर है उसके पास टोकन 1 बजे। तो यदि लागू हो तो देना है, अदरवाइज नील कर देना है।
मतदान प्रारंभ होने और समाप्त होने के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अब अगला कॉलम देखो, 20वां कॉलम। पंक्ति में खड़े हुए निर्वाचकों मतलब वोटर्स को मतदान के समापन के समय पर जारी की गई टोटल पर्ची की संख्या किसने 5, 10, 20 वो आप यहाँ पे संख्या लिखें, यदि कुछ नहीं है तो नील लिख दें। ऐसे लास्ट वोटर द्वारा अपना मत डालने के पश्चात वह समय जब मतदान अंतिम रूप से समाप्त हो गया वो समय आपको यहाँ पे देना है। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं था तो हमने नील लिख दिया, आप नॉट अप्लाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला है 21वां, विवरण सहित जो है निर्वाचक अपराध मामलों की संख्या, आपके यहाँ कोई घटना घटी तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये हमने नील लिख दी। क्या क्या चीज़ें हैं, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना हुआ था क्या, नहीं। मतदाताओं की छद्म रूपण ये सब कुछ नहीं हुआ था। मतदान केंद्रों पर नोटिस अन्य दस्तावेजों की सूची को छलपूर्ण विकृत करना या नष्ट करना या हटाना ये भी नहीं हुआ था। मतदाताओं को रिश्वत देना ये भी नहीं हुआ था। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराना ये भी नहीं हुआ था। बूथ पर कब्जा ये नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है मतदाताओं को रिश्वत देना, तो ये आपको अपने दायरे में जो आपको दायरा दिया गया उसके अंदर में कुछ हो रहा है क्या, ठीक है, बूथ और वहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर, उससे बाहर कुछ हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। 22वां है, क्या इनके द्वारा मतदान बाधित या अवरुद्ध किया गया, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। उपद्रव, खुली हिंसा, प्राकृतिक आपदा, बूथ पर कब्जा करना, वोटिंग मशीन का खराब होना, अन्य कोई कारण, कृपया उपर्युक्त का विवरण दें। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आपको डिटेल्स यहाँ पे लिखना है उसके सामने में, ठीक। अब जो 23वां है वो है, क्या मतदान केंद्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन के कारण मतदान में गड़बड़ी हुई थी, तो ये भी हमारे यहाँ नहीं हुआ, तो नील लिखा। पीठासीन पदाधिकारी की अभिरक्षा से अवैध रूप से बाहर ले जाना बिल्कुल नहीं। दुर्घटनावश या जानबूझकर खो गई या नष्ट हो गई नहीं। क्षतिग्रस्त की गई या उसके साथ छेड़छाड़ की गई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वोटिंग मशीन के साथ हमारे यहाँ, तो हमने लिखा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 24वां है, अभी अभ्यर्थी या फिर जो अभिकर्ता है द्वारा की गई कोई गंभीर शिकायत, यदि कोई है तो उसका जिक्र आप यहाँ कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं, तो हमने नहीं लिखा है। 25वां है, कानून और व्यवस्था भंग करने के मामलों की संख्या, तो ये भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो नील। मतदान केंद्र पर की गई गलतियों और अनियमितताओं, यदि कोई है तो उसका रिपोर्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब जो 27वां और आखिरी बिंदु है, क्या मतदान के प्रारंभ होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई मतदान मशीन प्रयुक्त की जाती है और यथा आवश्यक मतदान की समाप्ति की घोषणाएँ की गई हैं, तो यहाँ आपको नील नहीं बल्कि यहाँ पे आपको लिखना है यस, मतलब हाँ, ठीक है, यहाँ हाँ आप लिखें, ठीक है। यहाँ पे आपको यस मैंने हमने घोषणाएं की गई हैं, तो यस की गई हैं, तो बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्थान दे दें, फिर दिनांक लिख दें, और फिर यहाँ पे आपका प्रभेदक चिन्ह की आपका यहाँ पे मुहर लगेगी, फिर यहाँ आपका फुल सिग्नेचर पीठासीन पदाधिकारी का, डेट लिखें और मोबाइल नंबर लिख दें। और जो है यह डायरी वोटिंग मशीन विजिट सीट 16 बिंदुओं वाली परीक्षा की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद दस्तावेजों के साथ जो रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी मतलब जमा की जाएगी। और यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि बूथ नंबर इतना पर 289 हमारे मामले में था, HS बांदडे रूम नंबर 1 पर मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। इतना करने के बाद अपना फिर से मुहर लगाएँ, अपना सिग्नेचर करें और डेट दें, मोबाइल नंबर लिख दें, और हो सके तो इधर बाएं साइड में यहाँ पे आप जो है पोलिंग एजेंट्स के P1 पे सभी के आप सिग्नेचर यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये थी पीठासीन की डायरी का प्रपत्र, तो उम्मीद है आपको भरने में सुविधा होगी, समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, इसमें कोई वैसा पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।